न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। जमशेदपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कहा, ऐसे शख्सियत के विचार को पूरी जहां में पहुंचाना है। जहां रघुवर दास ने संस्थापक के पुण्यतिथि के साथ जिला परिषद पोस्ट पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बधाई दी गई, साथ ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का सम्मान करते हुए कहे, 70 वर्ष में पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी बनाया और जिस तरह उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने समर्थन का भरोसा दिया, लगभग राष्ट्रपति पद आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर तक जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस के अवसर पर महानगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित आज सभी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश की आजादी के बाद इस देश में दो प्रधान हुआ करते थे, दो विधान हुआ करते थे, दो निशान हुआ करते थे, जिसका विरोध डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनसंघ पार्टी ने की और उस समय जम्मू कश्मीर को जाने के लिए वीजा का परमिशन लेना पड़ता था, जिसका विरोध डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी ने की और उन्होंने निर्णय लिया कि हम वीजा नहीं लेकर हम सीधा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे और उन्होंने सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके सहयोगी के रूप में थे उनको लेकर जम्मू कश्मीर प्रवेश किए और वीजा का उल्लंघन करने के आरोप में जम्मू कश्मीर में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला जी ने उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी जेल के अंदर ही उनका आज ही के दिन उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जेल के अंदर सरकार के इशारे पर उनको जहर के द्वारा इंजेक्शन दिया गया। तो ऐसे महापुरुष जो मां भारती के सच्चे सपूत थे, एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी उनकी विचारधारा को लेकर चलते हुए हमारे देश की 135 करोड़ जनता ने एक राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सहित लगभग 2/3 राज्यों में आज राष्ट्रवादी सोच की सरकार है। परिणाम स्वरूप जिस कश्मीर के लिए डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए थे कि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है।